मम्मी आ रही है, इतना मुश्किल कर दी है यार, नहीं आना। रहने रहने। तो गाइस यार पांच इतने गंदे तक घटिया चावल बनाए हैं ना, कहती हूँ प्रिंट करवा लो वेट वेट को और ऊपर लाफी मुद्दा का मैं रानू के धनुष में डालते दिमाग में कुछ फर्क आ गया क्या? तो वह नहाने का मन नहीं करता ना, वो ठंड की लोड़ी और भी कुछ तो ये ऐड करेगी ये पक्का मेरे पक्का। तू ये चमार में तो ना चमार चमू, अब भाभी समझ रहे ना चमार, मैं चमार जोड़ लो अपने समझ आई इतना ना उधर बदल तू 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 कट करो कट 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 छिड़के। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं उठ चुकी हूँ फाइनली, और मैं आज भी पार्क नहीं गई हूँ। तो अभी मैं फिलहाल ना फ्रेश व्रेश हो जाती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस अभी ना मैं ना नीचे जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है, मैं नीचे जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को। तो गाइस नाश्ता बनाने स्टार्ट हो गए, इधर ब्रेड मक्खन से चले और इधर चाय बन रही है, और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, और ये रहे नानू। नहा लिया आप? इधर क्या खड़े हो, इधर क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था मम्मी को थोड़ा हलवा लेके आई। अच्छा मम्मी आ रही है, मम्मी अपने आपको नहीं दिखा रही, दे रही मम्मी दिखा दू, उन्होंने मुंह फेर लिया ऐसे भी रैम दो। जब मम्मी जिस दिन खुद हाँ बोलेगी ना, हाँ चल तू मुझे दिखा दे, उस दिन मैं दिखा दूंगा। एक मिनट, मम्मी के हाँ बोलने से कोई बात नहीं, पर मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग कमेंट इतने कमेंट करते ना, इतने कम से कम जिस दिन 1000 कमेंट आ जाएगा ना व्लॉग में, उस दिन मैं दिखा दूंगी इनको। ये रही मम्मी, देखा उसने हो दोबारा से देखा थोड़ी सी गलत, अबे नहीं दिखा रही मम्मी डर जाती है। ठीक है तो मैं पक्का ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, जिस दिन 1000 कमेंट आ जाएगी उस दिन मम्मी को दिखा दूंगी, अपने आप दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है। तो गाइस मम्मी आ रही है हमारे पास, लो देखा मम्मी को बैठना मुश्किल कर दी है यार, नहीं आना। मम्मी को लगता है वो भाग लगी, मम्मी मेरा फोन देखो मेरा, मैं तो मजा आ रहा है। नानू देख रहे हैं दोनों की हरकत है, मैं ये लिख के दे रही हूँ, मेरे को आगे कुछ होता है ना रूपांशी का तो कोई अता पता नहीं होगा। बोलती रहे और इसको तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, और अभी अगर ये थोड़ी सी दिखी भी होगी ना तो मैं मम्मी को दिखा रही थी इसलिए, तो उसको काट दे। तो गाइस हम ना नीचे आ चुके हैं नानू के, इस टाइम में ना सैर ना रोज ना धूप में हो रही है, क्योंकि ना सुबह मैं उठ नहीं पा रही आजकल। और ये देखो ये है मेरे घर के बाहर की मार्केट, मतलब अभी तो सब बंद है क्योंकि आज मंडे है। ये देखो ये सब सब बहुत बड़ी मार्केट है ये, अभी दिखाती हूँ आगे। यार गाइस हालत देख रहे हो, आंटी पागल बना देती है, मैं आऊंगी आ रही है, किचन इतनी गंदी हो रही है, कितनी गंदी मैसी किचन हो रही है। मम्मी वॉशरूम वॉशरूम सब तो मम्मी साफ करके चली गई, देखो पांची मैडम को भी देते सिंगाड़े खाने के लिए, क्या हरकतें मचाई इन्होंने यहाँ पे, ऐसे तो हरकतें कर रही है ये लोग। और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं जोत नहीं जला सकती, अभी तक आज मंदिर में जोत नहीं जली है, तो देखो कितना अजीब भी तरीके का घर हो रहा है उसको। नानू भी देखो कैसे पड़ नानू, ये क्या है, क्या गंदे मचा रखा है घर में हैं? तुम लोग ही बनाती रहे तो क्या तुम लोग ही बनाती रहे वैसे जो 24 घंटे नानू ब्लॉग चल रहे, गाली बक रहे हो व्लॉग में गाली बक रहे हो? अभी आपने बोला ना तुम लोग ही बनाती रहे बेंच, नहीं बोला अभी आपने? आपने पीछे गाली नहीं मगी? अच्छा चलो गाइस नानू, आप लोग ना मुझे वो चैलेंज दे रहे हो ना, एक बार नानू के साथ ना बात करते हैं। नानू नानू सुनो नानू, हम क्या है, हम लोग क्या है, हैं हम लोग क्या है, क्या अरे मतलब क्या है, हम मराठी है क्या है? मराठी है, बताओ ना नानू यार। नानू चलो सुनो प्लीज, नानू प्लीज एक बात सुनो, मेरे नहीं अच्छा ठीक है, बस पहले एक बात सुनो मेरी बात। नानू मेरे को पंजाबी आती है आपको? नहीं नानू यार मत करो यार, एक बार मैं आपको नहीं दिखा रही ना, अपने आपको दिखा रही हूँ, अब बताओ पंजाबी आती है आपको? नानू मेरे से कुछ पंजाबी में चार, देखो चार क्वेश्चन पूछो, मैं आपको पंजाबी में रिप्लाई दूंगी। अब मैं हिंदी बताऊँ, वेली बातें करती रहती है, वेले काम है, और आगे क्या बोला था? वेली हो और की हो। अच्छा मैं आपको इस तरह देती हूँ, मैं वेली नहीं हूँ, सही बोला गलत बोला? सही बोला। और दूसरी चीज पूछो, अरे मतलब दो तीन बातें करो यार, एक बार पंजाबी में जैसे हम नॉर्मल बातें करते ना, ऐसे पंजाबी में बातें करो एक बार।
अक्की गल्ला करा तेरे नाल। अच्छा कुछ भी गल्ला करा मेरे नाल। खाने का कुछ बोलो पंजाबी में खाने का। चलो मटर पनीर बनाओ जो। ये तो हिंदी है। हिंदी है पंजाबी मटर पनीर भी बनेगा और क्या बनेगा। अच्छा इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करना। मटर पनीर किस में डाल के दूं? कटोरी च। कटोरी च नहीं कोली च। काचू काचू कोली का मतलब गाइस कटोरी होता है। काचू का मतलब चाकू होता है। ठीक है तभी मिलते रहने। तो गाइस यार अभी मैं ना अपनी फ्रेंड के साथ नीचे गई थी और अभी मैं घर के अंदर घुसी हुई यार। जो खुशबू आ रही है ना खाने की पुलाव बने ये तो पता चल गया पर जो खुशबू आ रही है ना मैं क्या होता बहुत तगड़ी। और बनाया पता किसने? रूपांशी ने जिसको बिल्कुल बनाने आते अभी शक्ल दिखाती हूँ रुको। तो गाइस दिखाओ इसकी पुलाव देखो शक्ल से तो बहुत बढ़िया लग रही है देखा रही है। ये कह रही है नमक नहीं है पर खुशबू तो यार आज तक मेरे भी पुलाव के ना इतनी बढ़िया नहीं आई है। खाने का पता चलेगा लग नहीं रहा मुझे लग रहा है बस खुशबू खुशबू है और कुछ नहीं। पहले खाते बताते आज मैं बताऊँगी भाई ब्लॉग में खा के। अपनी माँ कसम से इतना कुछ भी कुछ हुआ है टमाटर का स्वाद आ रहा है ना नमक ना मिर्ची आपको अच्छी लग रही है। इसने ऐसा किसी हॉस्पिटल के आदमी के लिए बनाया है खाना तो पड़ेगा। तो गाइस पाँच सौ गंदे तक घटिया चावल बनाया है ना तो हम ना मैं भी इतिका के साथ आई हूँ राजमा लेने पीछे ढाबे से फिर मैं उस राजमा के साथ उसके चावल खाऊंगी तभी ले लेती फिर आप लोगों से मिलती हूँ घर जाके। गाइस हम ढाबे में आ रहा की तरह मैं बड़ी तकलीफ सुनती सर कूलर लगे तरह हमारा खाना पैक हो रहा है इधर हम कैसे बैठे हैं अभी मिलती हो जाती जब भी ना कोई मजाक होता है ना कैमरा ऑन नहीं होता ऊपर कह रही है भैया के सामने कह रही है। वैसे ना एक बात है मुझे तो आग लग जाती है कोई ना अगर मेरी बेइज्जती करता है मैं तूने आज सच्चाई बोल दी है ना तेरे को आग लगती है ना सब जैसे मम्मी ने किलसी मतलब मेरे को किलसाया जा रहा है किलसाया जा रहा है और मेरे मुंह में कोई वर्ड नहीं आ रहा ना देने के लिए तो मेरी आग लगती है। हाँ तो मेरी आग लग जाती है वैसे नहीं लगती। अब खड़े होने का ढंग दिखाना अपना खड़ी देख। नहीं अभी जो आगे अभी जो आगे खड़े हो रहे थे पूरे दिन नाइट सूट पूरे दिन नाइट अभी सूट चेंज करे गवार आके मैं गई थी पूजा में। हाँ तो उसे जब कोई मार देंगे ना तो ही सूट पहने पूरे दिन वैसे नाइट सूट पहनते हैं। मैं पूरे दिन इन कपड़ों में ही रहती हूँ। देखो इनके को ढंग देखो पैर देखो इनके चलने के। वो रूपांशी कह रही तू आज पहली बार रसोई में घुसी ना देखो तो हलवा बनाना चाहिए हलवा बनाना सीखना चाहिए मीठा बनाना। पहली बार खाना बनाया देखो हमारी इस लड़की ने पहली बार खाना बनाया पहली बार खाना बनाया मगर तो कह रही तो सुनो तो गाइस कह रही तेरे को ना अगर गाइस अच्छा बना होता तो नीचे जाना पड़ता वो मैंने पहले बता दी। नीचे जाने पड़ता कम पड़ गया जब नीचे ये तू सही बात है। ओ हेलो ये देखो चावल ये रे चावल सच आ रही है बस ये चावल बच्चे गाइस इनने से चावल बच्चे अगले कुकर भर के चावल बनाए हैं कुकर भर के। हां देख लो बाद में खुद पता चल जाएगा कि ना गाइस अभी इन्होंने ना नाइट शर्ट पहना थोड़ा ढीला ढीला एक दिन अभी चिपकी वाली टी शर्ट पहन के बैठेंगे रात में जब पहने दिखाऊंगी पेट ना इनका भी और इनके हस्बैंड का भी यूं लाफिंग बुद्धा की तरह बाहर है। मैं कहती हूँ प्रिंट करवा लो पेट वेट को और ऊपर लाफिंग बुद्धा तो फिर अच्छा तैयार होने का दाइन सुनो तो गाइस कमेंट कर देना कि ना अपना पेट ना प्रिंट करवा के ऊपर लाफिंग बुद्धा का मुंह लगवा लो। नहीं मेरे पास नहीं आया आप तैयार हो गए मैंने नहीं देखा मैंने देखा मेरा सर में ना बहुत सारी जुए हो रही मेरा रानू के सर में जुए डालते नानू दिमाग में कुछ फर्क आ गया क्या। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीचे फैन ब्रश ये सब लेने और मैं आप लोगों को बता दूँ तो भाई जिन लोगों का नहाने का मन नहीं करता ना वो आस पड़ोस के लिए क्या किया करो कपड़े चेंज कर लिया करो मुंह धो लिया करो है फिर ऐसे रेडी हो जाया करो और सामने वाला पूछे तू नहा ली तो बोला करो हाँ मैं नहा ली ठीक है जिनका मन नहीं करता जो मेरा नहीं करता तो कभी कभार मैं भी ऐसे ही करती हूँ बट फिलहाल इस दिन मैंने ऐसा नहीं कर रहा मैं था ही अब वो अब लोगों की मर्जी है आप झूठ पकड़ो या सच पकड़ो। तो चलो यार नीचे चलते हैं अभी इतनी बकवास नहीं करते नीचे चलते हैं और मैं रस वस ये सब लेके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जस्टिंग चार्जर है ना इतना करंट मारता है ना दिन में 10 बार तक मुझे करंट मार देता है
मैं फोड़ दूंगी इस चार्जर को। मैं ये लो सामान में ले आई यहाँ पे फैन वैन जो भी इनको खाना था। मैं सोच रही हूँ नूडल चैलेंज करते हैं, अब समझ नहीं आ रहा करूँ ना करूँ। दिखा तो गाइस मैं ना ऊपर आ गई हूँ इनके घर में। क्या बाल क्या सही कर रहे हो अपने? बदतमीजी क्या भाभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही हैं। फोन चला रही हूँ। अपने गाल पे तो ऐसे चाटा रखते थे इनको चाटा मारने वाले। मार के तो देख, ये ना बहुत बदतमीज है आज, इसने ना गाली भी दी है मेरे को। नहीं देखो मैं रियल बात बात क्या झूठ क्या। देखो मैं गई थी जब मैं नीचे राजमा लेने गई। अच्छा क्यों ना, ये वैसे लोग हैं जो बोलते तू बता तो बता। मैं देखो गाली भी देखा क्या हुआ हमारे ना नीचे ना यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे गेट से घुसते हैं ना गेट है दो तो ये छुपे होंगे गेट के पीछे। तो मैं अंदर घुसी तो रूपांशी कहती है तेरे पास भाभी का फोन आया। मैंने कहा नहीं और मुझे ऐसा करके भाऊ और मैं डर गई मुझे पता नहीं चाहिए। मेरे को भाभी का फोन आया क्या? मैंने बोला नहीं। तो मैं जैसे अंदर बोला भाऊ मुझे क्या होती है? मैंने मेरे मुँह से निकल कर फैन की लोड़ी। और तो गाइस आप बताना कमेंट में कि इसने बदतमीज ने क्या गाली कितनी गंदी दी है। तो मुझे क्या पता था ये है, मुझे पता था आपको। तो ये इतनी सीधी बन रही है ना ये जो खुद कंजड़ कंजड़ बोल रहे। चलो मैं गाली में कितना फर्क है। तो, और अरे चलो वो तो मेरे मुंह से निकल गई। कंजड़ तो पंजाबी में बोलते हैं ये ना। एक बात बोलूं पंजाबी देखो हम भी है ना पर ये ना पंजाबी होने का ना ज्यादा हम पंजाबी 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 थोड़ा है नहीं तुम्हारा पंजाबी वाला। तेरा तो देख ले चमारो वाला है। कमेंट कर देना मैं चमार लगती हूँ या पंजाबी और ये चमार लगते हैं या पंजाबी। शुगर है मैं एकदम क्या बोलते हैं यूनिक हूँ। यूनिक 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 जो ऐसा पीस मिलता ही नहीं है दुनिया। हाँ है ना यूनिक ऐसा कि चाहिए ही मेरी किसी को भी। अरे ये सारी बातें अपनी होगा ये पता क्या है जो इनके मन में अपने लिए खड़वाट होती ना भाभी चलो आओ चलो चुगली करे गाइस। पता है ये इतनी चुगलियां करती ना इतनी चुगलियां सबकी लोग इसलिए नहीं कर सकते सब देख कर सब फिर आ जाएंगे ओ ज्योति मल्होत्रा चुगलखोर ऐसे करके कान पे लगा दिया तेरे कभी। हैशटैग सब लिख देना हैशटैग चुगलखोर भाभी थप्पड़ मारे तेरे मुंह पे ऐसे ही बता दूं मैं। तो क्या कर लोगे? चाटे खाएगी तू और कुछ नहीं करेगी। इधर देख के बात करो ना मैं फोन चला रही हूँ अपना। अभी आपका फोन छीन के ना फेंक दूंगी नीचे। चाटा नहीं खाएगी तुम ऐसे? चाटा नहीं यार। अच्छा भाभी भाभी इधर आओ आपको अच्छा आप पंजाबी हो है ना आपको पंजाबी आती है? अरे थोड़ी बहुत आती होगी तो सुन तो ऐसे मारती मैं पंजाबी में पंजाबी मुसलमान है अभी फिलहाल तो पंजाबी हो ठीक है उसके आगे का पता नहीं ठीक है। अब दूसरी बात सुनो नहीं देखो भाई शादी के बाद क्या पता एक मिनट ये पंजाबी थी अब इनकी शादी पंजाबी में हो गई तो पंजाबी बन गई है ना। अब जो तो मैं हूँ ही पंजाबी तो मैंने क्या बोला मैंने बोला ये शादी से पहले ही पंजाबी इनकी शादी पंजाबी में तो ये पंजाबी बन गई। अब बताओ कोई पंजाबी होगा उसकी शादी मुसलमान से होगी तो मुसलमान बन जाएगा। अब कोई पंजाबी होगा उसकी शादी चमार से होगी वो चमार बन जाएगा। जैसे कि ये बोला पर इनमें क्या हुआ इनमें सच्ची में दांत नहीं आगे का ना जरा सा टूटा हुआ पूरा टूट जाएगा। पर इनमें क्या रुक जाओ इनमें क्या हुआ वर्जन क्या हुआ ये वाली बात तो ये ऐड करेगी ये पक्का 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 ऐड करोगे। देखो ना दांत टूटा है आप सब भी अपना तोड़ सकते हैं टूट जाएगा देख लो किसी देखो। पर क्या ज्यादा मोस्टली मतलब मोस्टली क्या रेगुलरली लड़कियों की खास चेंज होती है ना इनमें ना इन्होंने लड़के की चेंज कर दी कि लड़के किसने चेंज कर दी अभी आप तो कहते चमार चमार तू ये चमार मैं तो ना चमार चमू। अब भाभी समझ रहे ना चमार मैं कोई चमार जोड़ लो अपने समझ आई है तो ये इसलिए कहा उसने जो दूसरे को बोलते हैं वो खुद होता है मैं हूँ ही नहीं हूँ। अच्छा आप क्या पंजाबी मैं आपको आप पंजाबी में एक लाइन बोल दो। मैं तो शादी से पहले मुल्तानी हूँ यहाँ पे पंजाबी वहाँ मेरी शादी से पहले कासर ने इतना ना उधर बदल चुप 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 कट करो कट 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 छिड़के। अच्छा भाभी बस एक बात दो मैं मान जाऊंगी आप पंजाबी एक लाइन बोल दो एक लाइन बोल दो पंजाबी में नाक के चूहे दिखाने के साथ मैंने ना व्लॉगिंग करने वाले लोगों को देखा वो सारे जूम कर करके नाक में डालते
तो गाइस अब मैं ना इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ना यार काफी टाइम हो गया और व्लॉग भी काफी लंबा हो गया है। मस्ती मजाक में मैंने सोचा था आज मैं चैलेंज करूंगी, पर व्लॉग मस्ती मजाक में इतना लंबा हो गया, अगर मैं चैलेंज करूँ तो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो गाइस बाकी आप कमेंट कर देना, मैं चल गया परसों में आप लोगों को चैलेंज वीडियो ला के दूंगी, ठीक है। और हम मिलते हैं फिर कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए बाय। और एक और बात, प्यार दिखाना अपना बिल्कुल मत भूलना। ये थी मैं, आज मैंने नाइट सूट पहना है। तो गाइस यार प्यार दिखा कर अपना, यार व्यूज यार तुम तो दिन पे दिनों पे, यार मैं तो हार्ट अटैक से आ रहा है। व्यूज 2 पॉइंट पे टक गए, 2,000 रुपये व्यूज अटका दिए, पर चलो कोई नहीं, इसमें भी इशू, दीदी का दिल बहुत बड़ा है, पर तो कोई नहीं। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं सुबह 11 बजे, तब तक के लिए बाय।